हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, कल मैंने एक DIY बनाया था, जिसमें मैंने दो फिश बनाई थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया। जितने हमारे वीडियो देखने वाले हैं, कुछ है कम नहीं तो जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो धीरे धीरे सभी लोग देख रहे हैं। अब देख रहे हो ना देख रहे हो, लेकिन वीडियो हमारा कल पड़ा था, तो आज फिर मेरा मन DIY बनाने का है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ किया जाए, लेकर के बैठ गई कि कुछ ना कुछ DIY बनाया जाए। तो चलिए, कुछ क्रिएटिव आइडिया दिमाग में आते हैं, कुछ इधर उधर से सीखते हैं। ये सब इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ करना है तो कुछ इधर उधर से ज्ञान बटोरना जरूरी रहता है। औपचारिक अनौपचारिक निरौपचारिक ज्ञान, ये हमारा सब निरौपचारिक ज्ञान है। इधर उधर से सीखे हुए ज्ञान को निरौपचारिक ज्ञान कहते हैं। तो ये मैंने इधर उधर से ही सीख करके रखा है, तो जिसको बनाने का अब मैं प्रयास कर रही हूँ, जो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करती हूँ, ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे और रुचि से हमारा वीडियो देखें। तो देखिए, अभी मुझे ये बड़ी वाली 2 लीटर की बोतल ले लेना है, और इसको जो है एक निशान लगा लेना है मार्कर की मदद से। मार्कर से निशान लगा लेने से इधर उधर कटता नहीं है, और जो कुछ भी हमें बनाना रहता है सब आसानी से बनता चला जाता है। दोस्तों, अभी ही हम वीडियो बनाने बैठे हैं, जब तक मौसम बिल्कुल तेज धूप थी, और अचानक से बहुत सारे काले काले बादल आ गए। अच्छी बात है, बादल आ जाए, बारिश हो, DIY हम भले ही अगले दिन बना लेंगे, लेकिन बारिश होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं, एक निशान मैंने इसमें लगा लिया है, और उसके बाद में इसको मैं पहले कट करके अलग कर दूं। कटना आसान तो रहता है, लेकिन ये चाकू जो है इतना तेज है कि इधर उधर कट जाता है, तो फिर बाद में फिर हमें दिक्कत उठानी पड़ती है। तो इसके लिए जो है, कट लगाने के बाद में मैं कैंची से ही काट लिया करती हूँ, और कैंची से काटना आसान रहता है। ये देखिए, बोतल के मैंने दो भाग कर लिए, और इसका सिरा ऐसे कर लिया। इसको इसमें ऐसे ज्वाइंट करना रहेगा, जिसके लिए मुझे इसमें होल करके लाना होगा। तो चलिए, पहले सारी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में होल करके लाएंगे। होल करने के लिए मुझे किचन में जाना होगा। तो देखिए, अभी मुझे दो इसको जो है फेस बनाने के लिए, देख सकते हैं आप लोग, फेस बनाने के लिए मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ। उसके बाद में मनचाहा आकार देने के लिए गोलाई से, ये देखिए मैंने एक बड़ा और छोटा एक हो गया, तो दोनों को सही से बनाने के लिए ड्रा कर लिया। एक थोड़ा छोटा हो गया, तो फिर से बड़ा बनाने के लिए और लाइनिंग करनी पड़ी। अब मैं इसको रख रही हूँ और इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी कटिंग जो करनी है हमें, कटिंग के लिए भी निशान लगा लेने हैं, तो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ी थोड़ी देर में बादल आ जाते हैं, तो बिल्कुल अंधेरा जैसा लगने लगता है। आप लोग समझ लें कि मैं क्या बना रही हूँ, और आप लोग भी इसी तरह बनाएंगे और हमको दिखाएंगे कि देखो हमने भी बना लिया। तो चलिए, इसकी कटिंग करते हैं, और प्लास्टिक की बोतल जो है घर में तो निकलते ही रहती है, इधर उधर से भी मिल जाती है, क्योंकि जो है अब इसका प्रचलन ही इतना ज्यादा हो गया है कि हर किसी के पास जो है बोतलें उपलब्ध रहती हैं, और मिल भी जाती हैं आसानी से। नहीं तो इतना ज्यादा पहले के जमाने इन सब चीजों का प्रचलन ही नहीं था। अच्छा,
अब ये जब DIY बनते हैं तो इन बोतलों का जो है यूज भी हो जाता है, हमारे जो ये प्लास्टिक जो है थोड़ा सा टूटी फूटी के उठा करके फेंक दिया, मिट्टी कचरे में जा करके मिली, हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने में ये लग जाती है, तो उससे अच्छा है कि इनकी जो है रंगाई पुताई करके और एक मनचाहा शेप दे करके इसको अपने गार्डन में यूज कर लिया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण को एक पेड़ पौधे भी मिलते रहेंगे और ये प्लास्टिक हमारी प्रकृति से भी दूर होती रहेगी, मिट्टी को भी जो है नुकसान पहुंचाती रहेगी, और बहुत सारी जो है ये जो है प्लास्टिक से ही हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा प्रदूषित होता है, इसको बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। तो हम तो ये प्लास्टिक के DIY बना करके, बोतलों का DIY बना करके हम तो भाई करते ही रहते हैं, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी तरह बनाएं और अपने समय का सदुपयोग करें और बगीचे को खूबसूरत बनाएं। देखिए ये सेब बन करके आया है, और अभी हमें आप लोगों के सामने जो है ये देखिए, इसमें भी कुछ डिजाइन क्रिएट करनी है तभी तो इसको इसमें सेट करेंगे, तो देख सकते हैं आप लोग। इसका निचला हिस्सा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है तो इसको सुधार दें, नहीं तो फिर नीचे जो स्टैंड बनेगा वो स्टैंड सही नहीं रहेगा, जिससे हमारा DIY सही से जमीन पर सेट नहीं हो पाएगा और लुढ़केगा फिर। इसके लिए इनके किनारों को सही करना बहुत जरूरी रहता है। अभी मैंने इसमें भी एक मार्क लगाना जरूरी समझा, नहीं तो फिर बाद में, क्योंकि ये पहली बार बना रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहा है, और गड़बड़ हो गया तो 2 लीटर की बोतल खराब हो जाएगी और DIY हमारा देखने में खूबसूरत नहीं बनेगा, तो जिसके लिए निशान लगाना बहुत जरूरी रहता है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिया है, अब इसके बीच बीच में हम जो है 1 इंच के ये इस तरह से निशान हम लगाते रहेंगे, तो जैसे मैंने इधर लगा लिया तो इसकी सिधाई में ही इधर भी लगा लिया, ये देखिए इधर भी लगा लिया उतना ही, और उसी से माप लेकर के इधर बीच में लगा लिया और ये इधर लगा लिया, अब बचा इधर, तो इधर भी इसी तरह से ध्यान दे करके, अब कहाँ बार बार स्केल और पटरी लेने जाएं, और अब इनकी हम कटाई छटाई आप लोगों के सामने ही करे दे रहे हैं। मौसम बहुत सुहावना हो गया है, अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसको इस तरह से मैंने कट कर लिया और हाथ से हल्का सा प्रेस करके इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे और हल्का सा हाथों की मदद से दबाव दे देंगे, और ये देखिए सब आसानी से हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। अब फिर मैं मार्कर की मदद लूंगी और ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और एक बार और, सभी में मैं इसी तरह के निशान लगा लूंगी, उसके बाद में कट करूंगी। फिर ये देखिए जिस पर मैंने निशान लगाया था, और ये कैंची की मदद से मैं इसको कट कर रही हूँ, ये देखिए कट करके तैयार हो गया। अब हमें इसको बीच में होल करना है, तो होल के लिए मुझे किचन में जाना पड़ेगा, तो किचन में जा करके मैं होल करके लाऊंगी, तो फिर आप लोगों के साथ में सेट करते हुए दिखाऊंगी। होल करते हुए मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसे लेकर मुझे किचन में जाना है, तो मैं होल करके लाती हूँ। ये देखिए मैं इसमें होल करके ले आई हूँ, और अब मैं इसको इसमें पिला रही हूँ, काफी जद्दोजहद के बाद होल हुआ है, बहुत हार्ड प्लास्टिक रहती है ये देखिए, वैसे इसका कैप ना लगाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन पानी सारा सर से बहकर निकल जाएगा, इसलिए कैप लगाना जरूरी है। तो ये देखिए
कैप लगा करके रख दिया है, और इसको थोड़ा सा हाथ से और बार बार ऐसे दो चार बार प्रेस करेंगे बस जो है। अब बाकी रह गया है इनके इन पर कलर करना। तो ये देखिए ये बन करके तैयार हो गया है। और इस प्रकार ये देखिए मैंने 2 लीटर बोतल के ये 2 DIY बना लिए हैं। इनमें मिट्टी काफी आएगी और इसमें जो है कोलंडुला हो गया, शाल्विया हो गया, ये पौधे बड़ी आसानी से लग जाए, जिनकी जड़ें छोटी छोटी रहती हैं और पौधा बहुत सुंदर लगेगा। तो इनको कलर करना होगा। कलर हमारे पास फिरोजी सफेद है और कलर है नहीं, तो मुझे इनको येलो कलर में कलर करना है। तो अभी मैं किसी को भेज करके कलर मंगाऊंगी, उसके बाद में तब इन पर कलर करूंगी। जब कलर करूंगी तब फिर आप लोगों के साथ बैठ करके ही कलर करूंगी, आप लोग देखें और हम कलर करें। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं अभी, इन पर ना कलर हुआ है ना कोई इनका डेकोरेशन हुआ है, ऐसे ही ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये कलर हो जाएंगे तब तो ये उछलने ही लगेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, कोई भी चीज़ है मन से बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। देखिए बनकर के तैयार हो गए थे और हमारे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने इनकी पुताई उताई नहीं की थी। तो अभी मैं 2 घंटे से गार्डन के काम में लगी हुई थी, कटाई छटाई और जो गमले खाली हो गए हैं उनकी मिट्टी निकालना, इसी सब कार्य में मैं लगी हुई थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने जो ये DIY बना रखा है इसकी भी पुताई करनी है। अभी जब इसकी पुताई कर देंगे तो रात भर में ये सूख जाएगा, तब इस पर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो ये देखिए येलो कलर फिर मैंने मंगवाया, हमारे पास कलर खत्म हो गए थे इसीलिए हमारा ये काम रुक गया था। तो ये देखिए अभी मैं इस पर कलर लगा रही हूँ, 2 कोट करने पड़ेंगे। हमारे पास प्राइमर नहीं है और ना ही मैं उतना ज़्यादा तवज्जो दे रही हूँ प्राइमर का, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। तो इसलिए जो है अभी इस पर मैं 2 कोट लगा दूंगी तो अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी और सब अच्छा दिखने लगेगा। इस नीम की अच्छे से रंगाई पुताई हो गई है। इतना मौसम गड़बड़ हो गया है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ मौसम हो गया है, जिससे मैं अब इनको उठा करके अंदर ले जा करके रख दूंगी, बाहर रखूंगी नहीं, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बारिश का पानी पड़ जाएगा तो सारी मेहनत बेकार जाएगी और नुकसान भी हो जाएगा। तो इनको ले जा करके मैं अभी के अभी ही अंदर रख दूंगी, आगे की डिटेलिंग इन पर कल होगी। देखिए बहुत अच्छे तरीके से सूख गए हैं, ये 2-3 दिन से सूख ही रहे हैं। तो इनको मैंने अंदर रख दिया था, बीच में मौसम गड़बड़ हो गया था तो आगे की इस पर कोई भी डिटेलिंग नहीं हो पाई है। अब कुछ भी करना है तो अब इनको आज हम इस पर करने जा रहे हैं, इनका आगे का कार्य जो है हम इस पर ये परमानेंट मार्कर से करेंगे, क्योंकि जो है काला कलर हमारे पास है नहीं और अभी हम लाने भी नहीं जाएंगे, तो हमारे पास एक मार्कर है। तो अब की बार मार्कर से ट्राई करके देखते हैं कि ये सक्सेस रहेगा कि नहीं। तो धीरे धीरे मैं इसको जो है मार्कर से पूरे में जितना जितना काला वाला वर्क है सब मार्कर की सहायता से बना लेंगे। तो चलिए इनको बनाते हैं, बड़े आराम से बन रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। शाइनिंग भी खूब आ रही है, आज धूप अच्छी है, आज मैं घर पर भी हूँ, धूप अच्छी है तो बहुत सारे कार्य करने हैं और जितना भी धूप से संबंधित कार्य है आज मैं सोच रही हूँ सारे कार्य को मैं निपटा लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस दिन संडे रहता है उस दिन धूप भी नहीं रहती है और बहुत सारे कार्य जो है हमारे रुक जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है आज अपने कार्यों के लिए ही आज मैंने छुट्टी मार दी है। तो ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको भी हम कलर कर रहे हैं, कलर करने के बाद फिर आगे का सब शेयर करेंगे। बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही है इस परमानेंट मार्कर से।
देखिए एक्रेलिक कलर मैंने लगा दिया है, अब मैं रेड कलर से इसका मुंह बना रही हूँ। सॉरी, मार्कर से मैंने ब्लैक मार्कर से ये सब बनाया है, और अब ये ऑयल पेंट है, ये रेड कलर का ऑयल पेंट है। रेड मार्कर मेरा अच्छा नहीं चलता है, तो मैंने इस पर देखिए ये ऑयल रेड पेंट लगा दिया। ये देखिए कितने सुंदर बनकर के तैयार हो गए हैं, ये हमारे दो सुंदर सुंदर एलियन बनकर के तैयार हो गए हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल एलियन जैसे, हमें तो बिल्कुल एलियन जैसे दिख रहे हैं। तो मैंने इनका ये भाग इसलिए बड़ा काटा है ताकि इसमें पर्याप्त मिट्टी आ जाए और हमारे जो है कुछ अच्छे पौधे लग जाएं जो 4-6 महीने हमारे गार्डन में टिके रहें। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके इसकी जो है मिट्टी भरने वाला हिस्सा जो है ज्यादा बड़ा काटा है, और जो है इनको मैंने एक एलियन बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है। बने हैं नहीं बने हैं ये बताना आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं इनमें आर्टिफिशियल फूल लगा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कैसे लगेंगे हमारे गार्डन में। अब जल्दी ही मैं अपने गार्डन में थोड़ी बहुत और व्यवस्था करूंगी ताकि उसमें कुछ पौधे लगा सकूं, ताकि जो है गार्डन छोटा पड़ रहा है, तो अब मैं दीवारों का सहारा लूंगी। तो ये देखिए, इस देखिए हमारे पास ये 2022 से ये फ्लावर रखे हुए हैं, 2022 से हमारे घर पर रखे हुए हैं। तो अभी मैं इनको देखते तो जानती तो ठीक में रखे हैं, लेकिन इनका यूज नहीं कर पा रही थी। तो अभी मैं ये देखिए आर्टिफिशियल फूल लगा करके दिखा दिए हैं आप लोगों को कि ये फ्लावर पॉट कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी 2-4 दिनों की इसमें मेहनत लगी है, थोड़ा बहुत जो कुछ भी मेरा खर्चा लगा है। और आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे पसंद करेंगे। तो कैसा लग रहा है ये सब आप लोग हमें कमेंट के जरिए बताएंगे, और आप लोग भी इसी तरह की खाली बोतलों से सुंदर सुंदर फ्लावर पॉट बना सकते हैं। इसको चाहे हम इंडोर रखें, चाहे आउटडोर रखें, चाहे मिट्टी भर के पौधे लगाएं, सब तरह से ये सक्सेस रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये DIY अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगली DIY के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।